हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि सर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन से संबंधित। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रैक जेआईबी एग्जाम इन 7 डेज। क्या 7 दिन में जेआईबी को एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है, यानी 1 हफ्ते में? ठीक है, तो पहला सवाल तो लोगों के मन में ये है जिन्होंने कि अभी तक एग्जाम स्टार्ट नहीं किया है प्रिपेयर करना, उनका सवाल ये कि शुड आई प्रिपेयर जेआईबी एग्जाम और नॉट एज आई हैव नॉट स्टार्टेड। उनका ये बेसिक सवाल है कि अगर अभी तक हमने जेआईबी का एग्जाम चालू नहीं किया है तो क्या हमें अभी चालू करना चाहिए स्टडी करना या नहीं करना चाहिए। तो जो इसका आंसर है वो ये है कि आपने फॉर्म तो भर रखा है, पैसे आपने दे रखे हैं उसको, ठीक है, फॉर्म भर रखा तो पैसे दे ही रखे हैं आपने, एग्जाम में जाओगे ही, एग्जाम में बैठोगे ही, ठीक है, कुछ हो भी सकते जो नहीं भी जाएंगे। अगर आप एग्जाम में जाओगे या बैठोगे या फिर नहीं भी बैठोगे तो आपका अटेम्प्ट बर्बाद गया, हाँ, आपका अटेम्प्ट बर्बाद गया, आपका पैसा भी बर्बाद गया, आपका मेहनत, अगर मेहनत तो खैर किया नहीं, और मान लीजिए आपका 6 महीने के बाद भी फिर सब दोबारा एग्जाम भरेंगे, ठीक है, ये पूरा 6 महीने आपका बर्बाद चला जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी प्रिपेयर करके चले जाते हैं, मैं शब्द लगा रहा हूं थोड़ा सा भी, तो हो सकता है कि एक संभावना है कि आप एग्जाम पास कर जाए, है ना, एक संभावना है। अरे भाई, आप एग्जाम में अगर आप मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो पास तो नहीं करोगे, ठीक है। सीधा सा एग्जाम्पल समझिए, अगर आप कहीं किसी भी लड़ाई में अगर आप लड़ रहे हो तो अगर आप पहले छोड़ दोगे उसकी सेना बहुत बड़ी है और हमारी सेना बहुत छोटी है, तो हम पीछे हट जाएंगे अगर आप, तो आप हार जाएंगे ना, ठीक है। अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप जरूर पास कर जाएंगे, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के अलावा कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तो दूसरा सवाल है कि क्या ये पॉसिबल है कि 7 दिन में एग्जाम को पास किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल ये पॉसिबल है, ये संभव है, पास कर जाएंगे। फिर एक सवाल है कि अभी तक हमने स्टडी ही नहीं किया है, पढ़ाई कुछ भी नहीं किया है, जीरो स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ाई करना, तब आप बताओ तो भी आप पास कर जाओगे? अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं चालू किया तब भी आप पास कर जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, 7 दिन में आराम से पास कर जाएंगे। अब एक सवाल है कि हम कैसे पास करेंगे, ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि मैं कैसे पास करूं, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। आंसर है कि आपको इसके लिए कुछ कदम है या कुछ स्टेप्स है आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप देखिए, आपको 4 दिन की छुट्टी लीजिए, जिस बैंक में भी आप काम करते हैं वहां से आप 4 दिन का रिक्वेस्ट डालो, मैं 4 दिन नहीं आ सकता हूं। नॉर्मली क्या होगा, 4 दिन आपको छुट्टी मिलेगा नहीं, जो रियलिटी है क्या है, छुट्टी नहीं मिलेगा, छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 दिन की लीव लगा लो, फिर 2 दिन की 2 दिन लीव लगा लो, फिर 2 दिन आप ब्रांच में आ जाओ, फिर 2 दिन की लीव लगा लो, है ना। ये आपको 4 दिन की लीव मिल सकती है, ऐसा नहीं, डिपेंड करता आपका कैसा रिलेशनशिप है, क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अगर आप छुट्टी नहीं लोगे तो पास नहीं कर पाओगे, क्लियर, ठीक है। छुट्टी नहीं लोगे तो कैसे पास करोगे, मेहनत आप ही को करना, सब कुछ आपको करना है। जो बंदा 4 दिन की छुट्टी ले लेगा किसी भी तरीके से, चाहे आप ये बहाना मार दो पेट दर्द हो गया, बुखार हो गया, फीवर हो गया, सो एंड सो, एक सर्टिफिकेट बना के भी आप प्रोड्यूस कर दोगे तो वो वैलिड हो जाता है, ठीक है। आपको तरीका लेना होगा कि कुछ भी आप बहाना आपको करके यहाँ पे 4 दिन का अरेंजमेंट करना है लीव का। लीव अगर आपने 4 दिन अरेंज कर लिया तो आप पास कर जाएंगे। दूसरा बात यह है इसमें, आपको 4 दिन की जो छुट्टी मिली तो उसमें 3 दिन की जो छुट्टी होगी वो आप हमारा वीडियो लेक्चर कोर्स जो है, 3 दिन केवल आप हमारा वीडियो लेक्चर कोर्स को पढ़ोगे, उसकी नोट्स बनाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, लोग वीडियो तो देख लेते हैं, वीडियो देखने के बाद अभी कुछ समय याद भी रहेगा बट बाद में भूल जाते हैं, इसलिए आप नोट्स बनाइए, जेआईबी की नोट्स बना लेते हैं अगर आप, ये नोट्स आपको प्रमोशन के एग्जाम में भी काम आने वाला है, क्योंकि प्रमोशन में जेआईबी की 50% क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो आपको ये दूसरा हेल्प हो जाएगा, तो वीडियो देखिए, कॉपी में बाकायदा नोट्स बनाइए, ठीक है, और जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा उस समय जब जैसे कल एग्जाम आप देने जा रहे हो, आज रात को आपने वो जो नोट्स आपने बनाया था उसको पूरा एक झलक देख लिया, एक बार पढ़ लिया, गो थ्रू कर लिया, ठीक है, लास्ट मोमेंट रिविजन बड़ा काम आता है। और जो 4th दिन बचेगा उस दिन आपको हमारा 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक को याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को हमने 2 भाग में बांटा है, पहला भाग जो जिसमें 1000 सवाल रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है, दूसरा रहेगा 1000 सवाल आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक के, ठीक है। और यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लड़ जाएंगे एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जब एग्जाम में आप बैठोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा अरे यार ये सवाल मैंने तो उस क्वेश्चन बैंक से पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से आप एग्जाम को पास कर जाएंगे, क्लियर हो गया। और यहाँ पे जेआईबी और सीआईबी की कोर्सेज का एक मेगा ऑफर है, और ये ऑफर सिर्फ आज के दिन के लिए है, यानी 28 अक्टूबर तक है। हम आपको यहाँ पे जेआईबी या फिर सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशनल पेपर खरीद सकते हैं जिसका दाम है 2000 रुपए, ऑफर प्राइस में चीज 600 रुपए का रहेगा।
अगर आप जैविक और कॉमर्स खरीदते हैं, तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं, जिसका दाम है 4,500 रुपए, ऑफर प्राइस में चीज 1,500 रुपए रहेगा। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपल्सरी पेपर खरीदते हैं, एबीएम प्लस बीएफएम, जिसका दाम है 3,500 रुपए, ऑफर प्राइस में 1,100 रुपए है। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपल्सरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं, जिसका दाम है 4,500 रुपए, ऑफर प्राइस में चीज 1,500 रुपए है। 10 मॉक टेस्ट खरीदेंगे कोई पेपर का, दाम है 199 रुपीज, और कॉमो पे मॉक टेस्ट का 399 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4×9685127, दूसरा नंबर है 7825469 46। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकता है। हमारा वेबसाइट है www.gibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो गया 3,